नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लंबे समय के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं। अपने सरकारी आवास 10 अक्टूबर रोड के अंदर वो जा चुके हैं। अंदर की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आरजेडी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का मेल मिलाप जो है वो शुरू हो गया है। सेव आम लोग अब तोहफे के रूप में ले जाना शुरू कर चुके हैं। अंदर तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अंदर बैठे हुए हैं, जयप्रकाश यादव अंदर बैठे हुए हैं, उनकी बिटिया मीसा भारती भी पटना पहुंच चुकी हैं। उम्मीद है वो राज्यसभा की उम्मीदवार फिर से होने जा रही हैं। इस वक्त जो नेता हैं मिलकर आ रहे हैं, काई शोएब हैं, युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद से आपने मुलाकात की, लंबे समय के बाद वो पटना आए, कैसा माहौल है कार्यकर्ताओं? आप देख रहे हैं काफ़ी खुशी है लोगों में, होली ईद जैसी खुशी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी इस देश में एकमात्र नेता हैं जिनको जन नेता कहा जाता है। जब वो बीमार थे तो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के तमाम लोग दिन रात दुआएं करते थे, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे। आज जो देश की जो हालत है, देश को आज लालू प्रसाद यादव जी की ज़रूरत है। आज देश जिस चौराहे पे खड़ा है, यहाँ एकमात्र नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो इन चीज़ों को पहले समझ चुके थे। 2014 से पहले ही उन्होंने कहा था कि देश टूटेगा के रहेगा ये 14 तय करेगा। आज देश देख रहा है, सब कुछ बिक गया। जब वो आते हैं तो जिस रेलवे को कार्यकर्ताओं में उत्साह बता दें, जिस रेलवे को आज़ादी के बाद पहली बार कोई रेल मंत्री ऐसा था जिन्होंने उस रेलवे को हजारों हजार करोड़ रुपया मुनाफा दिया और लोगों को सहूलत देते हुए, रेल भाड़ा कम हुआ, प्लेटफॉर्म टिकट कम हुआ, तमाम लोगों को सहूलतें हुई। उसके बाद भी तो हुई ना आपके, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, ये मेरी बात भी सुन लीजिए कि जब वो रेल मंत्री थे उस दौरान उन्होंने लोगों से अवैध तरीके से पैसे लिए नौकरी देने के अवसर। वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पूरे देश में जिस तरह से रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने पूरे गरीबों के लिए गरीब रथ चलाया, तमाम लोगों के लिए भाड़ा कम किया, प्लेटफॉर्म टिकट कम हुआ, उसके बावजूद भी हजारों और लाखों करोड़ रुपया रेलवे को मुनाफा दिया। रहा सवाल लालू प्रसाद यादव जी के व्यक्तित्व का, तो कोई सानी नहीं है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, मेल मुलाकात हुई है, लोगों में उत्साह दिख रहा है, जोश दिख रहा है। अब जातीय जनगणना की बात हो रही है बिहार में, लगता है कि लालू प्रसाद आए हैं तो आरजेडी का जो स्टैंड है क्लियर, उस पर भी टिके रहेंगे? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जब यहाँ आएंगे तो खुशी का माहौल है, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में ही उत्साह नहीं है, आम आवाम में भी उत्साह है। क्योंकि जातीय जनगणना जो है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों से, कई सालों से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमको लगता है कि 2011-12 में भी हुआ था इस तरह का आंदोलन वगैरह, पार्लियामेंट में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया था पहले जब वो एमपी थे। तो लगातार उनकी मांग रही है जातीय जनगणना के लिए। लालू जी अरे हुए हैं बिल्कुल, और ये करा के दम लेंगे। भाजपा को तय करना है कि वो यहाँ लोगों को हाँ कह रही है, आगे नाना करेगी तो क्या करेगी? नाना करेगी आगे तो नहीं, नहीं, नाना करने से क्या हो जाएगा उसके? लालू जी जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करके दम लेते हैं। और गरीबों के नेता, गरीबों के मसीहा क्यों कहलाते हैं? इन्हें क्या कहना है? हमारे नेता का क्या कहना है? यही ना कहना है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या बुरा कह रहे हैं? तो जातीय जनगणना हो के रहेगा। देखा तेजस्वी जी ने मजबूर कर दिया, किया ना तेजस्वी जी ने, लगातार आंदोलन किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, लगातार आंदोलन जारी है और ये हो के रहेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। भाजपा वाले मजबूरन कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, लेकिन दबाव में कह रहे हैं कि हम करेंगे, करना होगा, और यहाँ नहीं करेंगे, इनको पूरे देश में कराना होगा। कुल मिलाकर जो आरजेडी के तमाम नेता हैं, युवा नेता हैं, वो लालू प्रसाद से मिलकर लौटे हैं, वो अब कह रहे हैं कि बिहार में तो जातीय जनगणना होकर रहेगा। नीतीश कुमार का स्टैंड भी यही है, उनकी पार्टी का स्टैंड भी यही है। और लालू प्रसाद से मेल मुलाकात का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके पूरे परिजन जो है उनके साथ बैठे हुए हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो एक तस्वीरें आप देख रहे होंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, देखते हैं लालू प्रसाद क्या कहते हैं कल से, जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं या आने वाले दिनों में जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे क्या कहेंगे, राज्यसभा के वो दो उम्मीदवार कौन होंगे जिस पर मोहर लगेगी आरजेडी की ओर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।